Hey guys, it's Blue Pirate here, और आज हम बात करने वाले हैं मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में। वैसे आप लोग जानते हैं मैं सिर्फ फॉरेन शोज पर वीडियो बनाता हूँ, पर कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पर मुझे एक बंदे ने बहुत प्यार से एक बात बोली, टीका का दलाल बहनचोद। मुझे लगा कि मुझे एक हिंदी सीरीज कवर करनी चाहिए, पर मुझे पता नहीं चल रहा था मैं कहां से शुरू करूं। ज्यादातर सीरीज में सरप्राइज के साथ शुरुआत होती है, पर इस सीरीज ने शुरू होने से पहले ही सरप्राइज दे दिया, क्योंकि ये रिलीज डेट के एक दिन पहले रिलीज हो गई। सब लोग इससे गुस्सा भी थे क्योंकि उन्होंने पूरा इंटरनेट उड़ा दिया था, और उसके बाद मिर्जापुर के सारे एपिसोड्स लाइव हुए, और फिर भी मिर्जापुर फैंस ने कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लिया होगा। तो चलिए उन्हीं फैंस के लिए स्पॉयलर्स के साथ मिर्जापुर सीजन 2 का रिव्यू शुरू करते हैं। लास्ट सीजन में मुन्ना ने बहुत बड़ा चुतियाबा करके दो मेन कास्ट को मार दिया, जो रियली अनप्रेडिक्टेबल था। मुझे लगा था कोई मरेगा, पर मुझे बबलू की उम्मीद नहीं थी। ऐसा हो सकता था कि कालीन भैया के वो अगेंस्ट चले जाते और बाद में दोनों मिलकर अपनी खुद की गैंग बना के मिर्जापुर कवर कर लेते, पर ऐसा नहीं हुआ। एपिसोड 1 की शुरुआत में ही गुड्डू मुन्ना को मार देता है, पर वो रियली में नहीं मरा। वो बाहर आता है और गन तानता है, पर पता चलता है कि वो बस ड्रीम देख रहा था। लाला की डॉटर की रिसेप्शन में जो फायरिंग हुई उसमें वो भी इंजर्ड हुआ था, इसीलिए उसे हॉलुसिनेशंस आ रहे हैं। एपिसोड 1 से ही मुझे शरद का रोल बहुत पसंद आया, क्योंकि ये क्लासिक राइवल गैंग के लीडर जैसा लग रहा है, लाइक नार्कोस मेक्सिको में होते हैं। सब लोग उसे जौनपुर के थ्रोन पे तो बिठा देते हैं, पर वो एक्सेप्ट नहीं करता और ये त्रिपाठियों को दे देता है, जिससे वो उनके अंदर रह के उन्हें बर्बाद कर सके। इस सीरीज के आने से पहले मैंने कुछ प्रेडिक्शंस रखे थे जो आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएंगे। मैंने कहा था कि बाबर और मकबूल आमने सामने होंगे, क्योंकि वो गुड्डू भैया का लॉयल था और मकबूल कालिन भैया के साइड। वैसे देखा जाए तो इन दोनों कैरेक्टर्स ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। इन शोज की एक खासियत है और मुझे इसीलिए ये शोज पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें आपको ट्रू टैलेंट देखने मिलेगा। अब पंकज सर के एटीट्यूड को ही देख लो, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये एक फार्मर का बेटा है, पता ही नहीं चलता क्योंकि एक्टिंग से वो एक डॉन लग रहे हैं। सेम चीज अली फैजल के साथ भी है, क्योंकि उसने इस शो में अपना 100% दिया है, और क्यों नहीं देंगे। ये सीरीज गैल गलौट भी देखने वाली है। इन ट्विंस का प्लॉट बहुत ही कम था, पर इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया। दोनों में से एक वैसे मर गए और कौन मरा ये फिक्स नहीं है। लाइक ये भी हो सकता है कि जूनियर बच गया और वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो सीनियर है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट सीजन में ये गुड्डू भैया के सामने बहुत बड़े दंगे करने वाले हैं। अगले सीजन में शरद दर्द बनेगा, जो सबको पता है, पर ये इतना ऑसम होने वाला है ये किसी को आइडिया नहीं था। नेक्स्ट सीजन में वो गुड्डू के अगेंस्ट होगा, क्योंकि उसे मिर्जापुर चाहिए, और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दद्दा और शरद रियूनाइट होंगे। गुड्डू और गोलू का रिलेशन बहुत ऑसम है, क्योंकि ना वो फ्रेंड्स हैं, ना भाई बहन, ना इनके बीच कुछ केमिस्ट्री है, पर जिस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है, हम एक बात कह सकते हैं कि राइटिंग बहुत ऑसम है। मैंने सोचा कि एक एपिसोड आज रात को देख लूं और बाकी के एपिसोड्स कल देख के वीडियो बना दूंगा, पर एक एपिसोड को देखने के बाद मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मेरा इंटरनेट खत्म हो गया था, पर मैंने वापस 4GB का रिचार्ज करवा लिया। शो में बाबर और इस डॉक्टर की डेथ रियली हार्ट ब्रेकिंग थी, और वैसे मकबूल की माता जी की डेथ भी कुछ कम नहीं थी, क्योंकि इतनी साल की लॉयल्टी के बाद उसे क्या मिला। इसमें अच्छी बात एक ही है कि मकबूल ने इसे लाइटली नहीं लिया और बुड्ढे को मारने चला गया। बाद में भले ही बीना और नौकरानी को ये सौभाग्य मिला हो, पर एनिमल प्लैनेट देखते देखते वो बुड्ढा कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था, तो उसे मारना जरूरी था। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि त्रिपाठी एम्पायर डिस्ट्रॉय हुआ। पारिवारिक टेंशन की मेन रीजन मुन्ना की सीएम वाइफ थी, जो पोस्ट कालीन भैया को जाने वाली थी, पर बहू उनसे ज्यादा स्मार्ट निकली। लाला की डॉटर के साथ गुड्डू लगा हुआ था, और इसके रिस्पांस में जो भी हुआ उससे लाला का प्लॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे लगता है नेक्स्ट सीजन में हमें जरूर गुड्डू और ये दोनों साथ में दिखेंगे, पर बाद में उतना मजा नहीं आएगा। इस नेता का प्लॉट बहुत ही मस्त था, क्योंकि ये पहले कालीन भैया पे रॉब जाड़ रहा था, पर बाद में पता चला ये तो छूतिया है। वो सीएम की पोजीशन तक तो पहुंच गया, पर कालीन भैया के पास बैकअप प्लान था जो बहुत काम आया। मुझे लगता है कि कालीन भैया को इस बंदी के कारण शरद की कॉन्स्पिरेसी का भी पूरा आइडिया था, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उनके फैमिली टेंशन के कारण सब कुछ बिगड़ने वाला था, पर कालीन भैया ने मैनेज कर लिया। पर बाद में टूंडा गैंग ने उन पर स्ट्राइक की, मुन्ना तो मर गया, जो बहुत ही सेटिस्फाइंग सीन था, पर कालीन भैया को शरद रेस्क्यू करके ले गया। इसका क्या पॉइंट है मुझे अभी तक पता नहीं चला,
पर लगता है कि आगे वो उनका यूज करके मिर्जापुर हासिल कर लेगा। सीजन के एंड में दिखाया गया कि गुड्डू भैया पूरे मिर्जापुर के किंग है, जो वैसे बहुत ही औसम बात है, पर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा हमें बीना पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने सभी एनिमीज को डाउन कर दिया। इन तीन के ट्रायंगल में उसने बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला, जो रियली काबिले तारीफ है। सेक्रेट गेम सीजन 2 लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, पर मिर्जापुर सीजन 2 इस पर खरा उतरा है। मिर्जापुर सीजन 1 आने के बाद सीजन 2 आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि क्रिएटर्स ने स्टार्टिंग में इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। मैं कंप्लीटली श्योर हूँ सीजन 3 के साथ ये नहीं होगा, क्योंकि सीजन 2 रिलीज हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और व्यूअरशिप छप्पर फाड़ रही है, साथ ही साथ रेटिंग्स और मीम्स भी। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि अगली कौन सी टीवी सीरीज पे बात करना चाहोगे। प्लीज इस चैनल पे जाओ और 2-3 वीडियोस देखो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।